YouTube चैनल आपकी आवाज। अब तुम्हें बोल रही कि तुम्हें नहीं मुसलमानों को हमें पाकिस्तान के मुसलमानों को नहीं देते बल्कि, मगर यहाँ क्यों मैं समझाना चाह रही हूँ बोले तो सिर्फ इनो हिंदू मुसलमान बोल के लड़वा के हम लोगों को हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनवा को अपने तमाम जो वो इन लोगों का हिंदू राष्ट्र बनाने का जो इनका मकसद है उसको पूरा करने की तरफ इन लोगों का पूरा मकसद है सो उसके लिए इन लोगों हम सारी आवाम को भटका रही ताकि आवाम कन्फ्यूज रहे भटकती रहे ये लोग अपना मकसद पूरा कर चुके। इसलिए मैं आप सबसे समझाती बताना चाहती हूँ जो CAA में देने का बोल के बोल रही हूँ उन लोग उससे पहले इन लोग जब उनको सभी लाके सिटीजनशिप दिए तो फिर आप क्यों बोल रही ये नहीं देते बोल को मुसलमानों को देते नहीं बोल को। और यहाँ पे सिर्फ चुने सिर्फ 3 मुस्लिम एरियाज अफगानिस्तान बांग्लादेश पाकिस्तान जो मुस्लिम रूलिंग कंट्रीज हैं। चाइना क्यों नहीं चुने श्रीलंका क्यों नहीं चुने। मैं आज यहाँ पर जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहती हूँ कि इनको भी इनको हिंदू भाइयों से कोई मोहब्बत नहीं है हरगिज भी नहीं है। अगर होती तो इन लोगों के इस तरह के स्टेटमेंट्स नहीं आए रहते। अगर इनको वाकई में हिंदू भाइयों से मोहब्बत होती तो इन लोग सिर्फ ये 3 मुस्लिम स्टेट्स नहीं चुने रहते हमारे देश की ये पूरी इकोनॉमी को खराब करने के लिए और हमारे देश का पीस खराब करने के लिए। जो चाइना से दलाई लामा भाग के क्या वो ये सबूत नहीं है कि चाइना में भी तकलीफ है हमारे हिंदू भाइयों को। क्या श्रीलंका का टेररिज्म गवाह नहीं है कि वहां पे भी हमारे हिंदू भाइयों को तकलीफ है। तो इन क्यों चुने ये 3 देश सिर्फ ताकि हम लोग हिंदू मुस्लिम करते रहे इस मुद्दे में उलझे रहे और ये अपना हिंदू राष्ट्र बनाने का मकसद पूरा कर चुके। ये इन लोग आज हम ना बोलते कि हमें बाहर से भाग के ऐसो मगर इनो बोलती हमें पत्थर दिल ले बाहर से भाग को ऐसो। मगर मैं बोलना चाहती हूँ मोदी को जो तुम्हें लोग चरवा है तुम्हें मिडिल एशिया में ठंड संभाल ना सको तुम्हें लोग वहां से गाया चराते चराते तुम्हें इंडिया में घुस गए हमें तुम ना प्राइम मिनिस्टर बना को सर पे बिठा लिए तो बांग्लादेश पाकिस्तान के अफगानिस्तान के उन्होंने तो हमारे कभी ना कभी पीछे भाया हम ना क्या उनसे इतराज हो सकता है कि उनको सिटीजनशिप दो। तो हमें इसीलिए कल का जो बंद है वो सबसे पहले वो बंद किस लिए किया जा रही कि DNA टेस्ट बेस्ड NRC होंदे बल्कि उसके डिमांड के लिए मौलाना सज्जाद नौमी और वामन मिश्रा जी मिलके इन्होंने जो है कल का बंद मांग डिमांड करी सो किस लिए बोले तो सिर्फ और सिर्फ DNA टेस्ट बेस्ड उनको बोलेंगे जो कोई पेपर पूछने आता है भाई एक खून खतरा दे देती हमें लेको जो DNA टेस्ट करा लियो मगर पेपर नहीं देते हमें। और इन लोगों का मैं थोड़ा सा बहुत वक्त की कमी है थोड़ा सा मैं CAA और NRC के बारे में बोल देती हूँ जो इन लोगों देने का बोल के बोल रही उससे पहले तो तुम्हें NRC तुम्हें सब सुने होंगे कि पूरे देश के लिए होगा NRC देश के लिए होगा बोल के चिल्लाए तुम्हें लोग तो तुम्हें अब जब पूरा NRC पूरे देश के लिए होगा तो वापस से पूरा चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो चाहे कोई भी कम्युनिटी का हो चाहे दलित भाइयाँ हो क्रिश्चियन हो सबको वापस से लाइन में लगना पड़ेगा अपने आप को साबित करने के लिए। उस वक्त जैसे ही NRC में आप लोग आती एक बात आप अच्छे से याद रख लो कि तमाम आपके जो बैंक बैलेंस है सबसे पहले बंद होती उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी सब कुछ आपका छीन लिया जाएगा और आपको सिर्फ वहाँ पे CAA में बाद में उन्होंने आपको देती सिर्फ रहने की इजाजत। ये एहतिजाज क्यों कर रहे हैं बोले तो CAA में रहने की सिटीजन होना हिंदुस्तान के और सिटीजनशिप देना उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे अदनान समी और सलमा आगा को यहाँ पे पाकिस्तान से ला को इंडिया ने सिटीजनशिप दी क्या उनको वोटिंग राइट्स है क्या उन्होंने हमें आज मोदी को यहाँ पे सड़कों पे खड़ के इतना ज्यादा हमें लोग उनको आवाज कर सकती उनको सवाल पूछ सकती क्या वो हक उनको है। वैसे ही हमारे देश का हीरा सानिया मिर्जा को पाकिस्तान में सिटीजनशिप दी गई है क्या उसको वहां पर वोटिंग राइट्स है उन्हें वापस आंध्र को जाना सो क्या उनको इनसे इमरान खान से सवाल पूछने का हक है नहीं है। ये चीज आप अच्छे से समझ लीजिए और आप
तमाम मेरे मुसलमान और नॉन मुस्लिम भाई बहनों को भी आप लोग अच्छे से जाके समझाइए, जैसे ही एनआरसी अप्लीकेबल होगा, ये लोग यही चाहते हैं। इस एनआरसी के तहत सारे के सारे मुस्लिम नॉन मुस्लिम जो जितने भी सब दलित भाई क्रिश्चियन जो भी लोअर कम्युनिटी के हैं सब एनआरसी में आ जाए, बाद में ये बचे चुने इनके गिने चुने कितने लोग हैं उन लोगों के साथ ये हिंदू राष्ट्र बना के हम लोगों को वापस से गुलाम बना दें। क्योंकि एनआरसी में ये आप सब अपने नॉन मुस्लिम भाइयों से भी बताइए, क्योंकि जो CAA के अंदर वापस से अगर उनको सिटीजनशिप मिलेगी तो सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर रहने की इजाजत मिलेगी। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दे के बताया कि किस तरह से सिटीजन होने और सिटीजनशिप देने में फर्क है। तो CAA में सब तसल्ली से बैठी कि मिल जाएगा तो सिर्फ रहने की इजाजत मिलेगी, जो आपका बैंक बैलेंस जो कुछ आपसे छीन लिया गया है। और यहाँ तक मैं अपनी बहनों को बताना चाहूंगी, जो आपकी अजीज ज्वेलरी है जो औरतों को बहुत ज्यादा अजीज होती है वो भी सब छीन ली जाएगी। आपको वापस में अगर रहने का देती भी तो सिर्फ CAA में रहने का हक देती। और जो NPR है ये पहले की तरह सेंसस वाला मामला नहीं है। आज जो NPR होने वाला है उसमें ये लोग अपने हमारे बाबा का दादा का ये सारे बर्थ सर्टिफिकेट पूछ रही इसमें नो। अगर ये सभी अगर ला के देती तो सिर्फ उनसे पहले जो आते उनसे पूछो, जो लोग जो वहाँ पे बैठी जो तेजस्वी सूर्य जिनको अपना बाप मानता है उन लोग जो वहाँ पे बैठी उन लोगों का खुद मोदी का जब उन्हें पब्लिक डोमेन में डाले मतलब जब इलेक्शन के लिए लड़ने के लिए जब उन्हें फॉर्म फिल करा उसमें 1950 है उसकी डेट ऑफ बर्थ। जब आप अचानक से रातों रात उठकर उन्हें ये कर लिया नहीं पॉलिटिकल साइंस में उन्हें एमए कर लिया नहीं उसमें 1949 है। जब उसकी डेट ऑफ बर्थ करेक्ट नहीं है तो आम आदमी की डेट ऑफ बर्थ कैसे सही हो सकती है। तो मैं सबसे आप सबसे गुजारिश करना चाहती हूँ, वक्त का बहुत ही तकाजा है, आप लोग इतना सभी मुझे बोलने का मौका अता फरमाए, बहुत बहुत शुक्रिया।